हेलो ब्रीवन, मैं अमन गिरी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कम्पीट एनकैक में स्वागत करता हूं। वीडियो की शुरुआत में मेरी आप सभी से निवेदन है कि ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप में से 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमारी रीच बढ़ती है और रीच बढ़ने से जो न्यूज़ होती है हमें और ऑथेंटिक और रियल मिलती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, यहाँ पे हमेशा आपको ऑथेंटिक और रियल न्यूज़ ही दी जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, आप लोग अक्सर लाइक करना भूल जाते हैं। और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको पेट द्वारा तेज करने के पढ़ाई कराई जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज बहुत से विद्यार्थी, लगभग 15 विद्यार्थी के आसपास आयोग गए हुए थे, वहाँ पर उन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में क्या बातें सामने आई मैं उसके बारे में बताऊँगा। मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे गए थे उनसे मेरी बात हुई है, उसके आधार पर मैं आपको डाटा दे रहा हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से सुनिएगा। बच्चों से कहा गया कि जो मेडिकल की नोटिस है, क्योंकि आपको पता है कि अब आपका मेडिकल का नोटिस ही आने वाला है, जो मेडिकल की नोटिस है आपकी, ये अगले मंथ में अगस्त में जो है आ जाएगा। और अगस्त में अगर मंथ की डेट की बात की जाए तो उनसे कहा गया कि पहले वीक में, जो पहला हफ्ता है आपके मुहर्रम से पहले, जो आपका इसका नोटिस है वो आ जाएगा, ठीक है। और जो आपकी डीवी है, माफ़ कीजिएगा, जो आपका मेडिकल है, ठीक है, ये आपका जो है मंडल स्तर पे कराया जाएगा। हालांकि इसके बारे में जानकारी पहले ही दे दी गई थी कि ये मंडल स्तर पे आपका होगा और मंडल स्तर पे कराया जाएगा। साथ ही साथ अभी तक जो है अपडेट है कि क्या क्या चीज़ें आपके मेडिकल में होने वाली हैं, इसके बारे में भी लगभग सूचनाएँ दी जा चुकी हैं कि मेडिकल में क्या क्या चीज़ें चेक करनी है आप सभी का, ठीक है। बाकी डीवी की बात करें तो डीवी को लेकर भी बात हुई, उनका कहना है कि जेई 2018 इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इसके बाद आपकी लेखपाल की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, ठीक है, और इसके पैरेलल में आपका फॉरेस्ट गार्ड का डीवी होगा। लेकिन मेरा मानना है कि आपका लेखपाल के पैरेलल में इसकी डीवी शायद ना हो पाए और इस लेखपाल के बाद ही आपकी डीवी हो, ठीक है। अब लेखपाल के बारे में क्या बात हुई, इसके बारे में मैंने यहाँ मेंशन किया हुआ है, आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैंने इसको व्यू के लिए मिस किया है। मुझे पता है इस वीडियो के बाद बहुत से विद्यार्थी लेखपाल को लेके कमेंट करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। यहाँ आज फिर से उन्होंने यही मेंशन किया कि पहले आपका जेई 2018 का डीवी होगा, उसके बाद लेखपाल का होगा। लेखपाल से बस एक न्यूज़ अभी तक मुझे मिली हुई है और इसके बाद हो सकता है, मेरा अनुमान है कि आपका फॉरेस्ट गार्ड का डीवी हो, ठीक है। तो अभी लेखपाल वाले विद्यार्थी जो हैं पूरी तरह से डिपेंडेबल वेरिएबल हैं और वो डिपेंड कर रहे हैं आपके जेई 2018 के डीवी पर। और ये बहुत दुख की बात है कि जेई का रिजल्ट अभी तक आपका जारी नहीं किया गया है। उम्मीद है इस वीक में आपका या फिर आपका 2 अगस्त तक जो है रिजल्ट को जारी कर दिया जाए, ठीक है। तो जेई का जो रिजल्ट आपका 2 अगस्त तक आ सकता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग पेट 2023 की एक बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ पे आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से पेट 2023 के लिए गाइड किया जाएगा और हमारा टारगेट है कि अधिकतर बच्चों का 80+ स्कोर आए हमारे चैनल से जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, ताकि भविष्य में आने वाली जो भी भर्ती है उसमें उनके सोचना न पड़े कि शॉर्टलिस्ट होंगे या नहीं होंगे। 80+ का टारगेट है और 85+ भी बच्चे लेके आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। और मैं खुद पिछली पेट के एग्जाम में 88 मार्क स्कोर किया हुआ हूँ। तो आप लोग इस ग्रुप से जुड़िए। कैसे तैयारी कराई जाएगी उसका एक झलक मैं बता दूँ आपको कि इसमें आपका जो पेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्विज जो क्विज है कराया जाएगा, ठीक है, बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग 50 क्वेश्चन का जीएस का क्विज बनाया जाएगा, उसको कराया जाएगा और डीआई की भी वहाँ पे तैयारी कराई जाएगी, ठीक है। तो आप लोग उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़िए अगर आप लोग पेट के एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर तैयारी करना चाहते हैं। इसका फॉर्म आपका नोटिफिकेशन जो आपका 15 अगस्त तक आ सकता है, ऐसा मैंने पहले एक वीडियोज़ में बताया हुआ है, वीडियोज़ नहीं कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। अगर आपको हमारा कम्युनिटी पोस्ट न दिखता हो तो उसका एक रीज़न भी है कि आपने सब्सक्राइब न किया हो, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।